सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं रायपुर से। अमित, आज कौन से तमाम बड़ी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां पर पहुंचकर आज वह करोड़ों की सौगात दुर्ग जिले को देते नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रयास छात्रावास पहुंचकर वहां छात्रावास का उद्घाटन करेंगे, वहीं इसी तरह से कई लोकार्पण कार्यक्रम रखे गए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब जिस तरीके से जिलों को सौगाते देते नजर आ रहे हैं, वहीं अभी 2 मई से उनके और जिलों के दौरे शुरू होंगे। अब नियमित रूप से होने वाले जिलों के दौरे में वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय अपने हेलीकॉप्टर से किसी भी गांव में उतरेंगे और वहां पर लोगों को सौगातें देंगे। और जो शासकीय योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरह किया जा रहा है, अफसर कहां लापरवाही कर रहे हैं, ये सब चीजें उस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देखते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब छत्तीसगढ़ में कसावट की राजनीति करते नजर आए। जिस तरीके से प्रशासनिक कसावट को लेकर उन्होंने यहां पर अब शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो दौरे हैं, विभिन्न जिलों के दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। और मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से कमर कस लिए हैं। वहीं यहां बात करूंगा केंद्रीय मंत्रियों के, जिस तरीके से लगातार दौरे पर दौरे चल रहे हैं, तो वहीं आज अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है, वो आज हैदराबाद से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और जगदलपुर के जिले के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर जिले के दौरे पर पहुंचकर 2 दिवसीय का उनका प्रवास है। इन 2 दिवसीय प्रवास के दौरान अर्जुन मेघवाल न केवल वहां जिला प्रशासन के अफसरों से 1-on-1 करते नजर आएंगे, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है, वहीं वहां के एनजीओ से, इंस्टीट्यूशनल से, शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन जो है उनसे एक तरह से रूबरू होते नजर आएंगे। साथ ही वहां पर हर तरह वह कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति से लेकर जो नई नीति है उन पर चर्चा करते नजर आएंगे, ताकि यहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है जगदलपुर जिले की वह केंद्र सरकार को सौंप सके। और इन 2 दिनों के दौरान वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी चीजें जो जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा सभी जिलों में मंत्रियों को भेजा जा रहा है, उनसे रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान, एक रोड मैप तैयार कर रही है केंद्र सरकार, क्योंकि मिशन 2023 और 2024 सबसे बड़ी चीज होगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया गया है, तो निसंदेह अब 2024 तो मोदी का ही होगा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि एक तरफ विपक्ष भी पूरी तरह कमर कसे हुए, कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को अपनी कमान सौंप दी है रणनीति बनाने के लिए, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है वह भी अपनी कमर कसती नजर आ रही है। और साथ ही यहां केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न जिलों के दौरे पर भेज रही है। वहीं यहां बात करेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश की, तो स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है और 24 दिसंबर से सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर भी यहां पर सारी कवायद की जा रही है। अब सभी शिक्षकों को ग्रीष्मकाल का वह लाभ मिलेगा जो उन्होंने, शिक्षकों को भी स्कूल बुलाया जाता था, लेकिन ग्रीष्मकाल के अवकाश के दौरान शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आज पीएल पूनिया जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, पीएल पूनिया आज 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आज यहां वह शाम को जैसे ही पहुंचेंगे तो यहां पर वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद रात्रि विश्राम के बाद कल से वह यहां कई दौर की बैठकें करेंगे। कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं तक यहां पर वह 1-on-1 करते नजर आएंगे, क्योंकि वह भी मिशन 2023 की तैयारियों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और उनके इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। 24 तारीख को पीएल पूनिया दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तरन्नु, ठीक है अमित, कुल मिलाकर कहिए अर्जुन राम मेघवाल का दौरा है प्रदेश का, कई मायनों में यह दौरा खास माना जा रहा है 2023 को मद्देनजर रखते हुए भी। बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से आज यहां पर अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री हैं, आज वह हैदराबाद के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचकर वहां स्टेट जो वहां का गेस्ट हाउस है वहां पर वह जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते नजर आएंगे, वहां के एमपीज एमएलए से चर्चा करते नजर आएंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते नजर आएंगे, साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिला प्रशासन द्वारा किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को प्रतिसाद दिया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है,
इस पर वह 1-to-1 चर्चा करेंगे इन अफसरों से और पूरी तरीके से जिला कलेक्टर से वह सारी चीजें की जानकारी लेंगे कि आखिर जगदलपुर में केंद्रीय योजना हो, चाहे बात वो प्रधानमंत्री आवास योजना की हो या अमृत मिशन की, तो अमृत जल अमृत मिशन जिस तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर सारी योजनाओं पर वह अपनी नजर रखेंगे और उसके क्रियान्वयन की जानकारी लेते नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर दूसरे दिन भी कल 23 तारीख को भी वह इसी तरीके से प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे, वहां के एनजीओ से चर्चा करेंगे, वहां के स्वयंसेवी संगठनों से चर्चा करेंगे। इस तरीके से विभिन्न संगठनों से चर्चा करने के बाद केंद्र की नीतियों को बताएंगे कि केंद्र किस तरीके से आने वाले समय में देश को चलाना चाहता। तो ऐसे में लोगों तक एक बड़ा मैसेज भेजा जा रहा कहीं ना कहीं कि मोदी जो है कि सिर्फ देश के लिए सोच रहे हैं और देश को किस तरह बढ़ाया जाए उसके लिए सोच रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है क्योंकि विभिन्न मंत्रियों को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेजा जा रहा है, विभिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की तस्वीर क्या होगी, अखंड भारत किस तरह का होगा, उसकी तस्वीर अभी से बताई जाने लगी है। वहीं इसके बाद कल यहां पर 23 तारीख को वह कॉन्फ्रेंस लेते नजर आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया को भी बताएंगे कि आखिर जगदलपुर में किस तरीके से केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और साथ ही यहां पर राज्य सरकार से भी वह निवेदन करते नजर आए केंद्र और राज्य के साथ तालमेल बिठाकर काम करे ताकि देश को अखंड भारत बनाया जा सके। जी बिल्कुल अमित, तो यहाँ पर एक जनता को बड़ा फोकस यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी। इसी के साथ अगर अमित हम बात करें तो पीएल पुनिया भी प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, तो कह सकते हैं कि 2023 के लिए खाका यहाँ पर खींचा जाएगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम को पहुंच रहे हैं और 3 दिवसीय प्रवास उनका आज से है। तो जिस तरीके से यहाँ वह 22, 23, 24 के दौरान यहाँ पर सभी कांग्रेसियों को रिचार्ज करते नजर आएंगे क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी तरीके से अब कांग्रेस भी जुटी नजर आ रही है क्योंकि उनको दूसरी पारी खेलनी है और दूसरी पारी जिस तरीके से उनका जोश भरा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव में उन्हें लगातार जीत मिली है कांग्रेस को, क्योंकि 3.5 साल में 4 उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में और चारों में सत्तासीन कांग्रेस ही विजयी हुई, और वहीं खैरागढ़ उपचुनाव जो कि सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें जिस तरीके से ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है तो पूरी कांग्रेस जोश से भरी हुई है और यहां पर अब मिशन 2023 की तैयारियों में पूरी कांग्रेस जुटी नजर आ रही है, जिनके तहत आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद कल यहां बैठकों का दौर शुरू होगा। कई बैठकें कल यहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बूथ स्तरीय बैठक लेकर और साथ ही यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक लेकर प्रदेश प्रभारी प्रदेश नेताओं की बैठक लेकर वह यहां पर एक रोड मैप तैयार करते नजर आएंगे क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस भी प्रशांत किशोर के माध्यम से उनकी रणनीति पर काम करती नजर आई तो पीके का जो प्लान है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने मिलेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। मौसम का क्या मिजाज है, क्या जनता को अभी भी गर्मी से कोई राहत? बिल्कुल, अगर तरन्नुम हम बात करेंगे तो कल यहाँ द्रोणिका के दबाव के चलते छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हुई है और पूरी रात यहाँ पर भारी बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ पर विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ठप्प नजर आई, पूरे रात में यहाँ पर बिजली सभी क्षेत्रों में गायब रही। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक हर तरफ अंधेरा छाया रहा तो कहीं ना कहीं जो झमाझम बारिश हुई है, तेज हवाएं चली है, उसने तापमान में काफी गिरावट दर्ज कर दी है। लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज नजर आ रही है तो एक से कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन एक बार फिर जो कई होर्डिंग्स उखड़ गए हैं, पेड़ गिर गए हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, तो इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने मिली है और ये सारी चीजें जिला प्रशासन की पोल खोलती नजर आती क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व तैयारी नहीं होने से हवाएं तेज चलने के कारण जिस तरीके से यहां पर होर्डिंग्स उखड़ गए, पेड़ गिर गए हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन को गर्मी से बेहद ज्यादा राहत मिली है।